हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, जो टाइटल और थंबनेल में पढ़ा उसमें बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आप दुबई आ रहे हो दोस्तों, तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कैसे? प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट क्या। अपडेट ये है दोस्तों कि जो लोग यूएई दुबई में रहते हैं उनको पता है कि पहले तो दोस्तों क्या होता था कोविड से पहले, अभी भी बहुत सारा स्टेट में हो रहा है, मतलब यूएई के 7 स्टेट है तो कोई कोई स्टेट में होता है। बट कोविड से पहले क्या होता था कि आप जैसे ही आप यहाँ पे आते थे, जिस टाइम आपका वीज़ा लगता था, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपके भाषा में वहाँ पे वीडियो दिखाया जाता था, इमारात का रूल समझने के लिए, आपका जो राइट है वो जानने के लिए, आप क्या क्या राइट है आपके पास, कंपनी के पास क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि ये चीज़ बहुत सारा कंट्री ऑलरेडी पहले से करके अपने वर्करों को यहाँ पे भेजते हैं। जैसे नेपाल की एग्जांपल ले लूँ दोस्तों, नेपाल में क्या होता है कि जो भी नेपाली हैं यहाँ पे, अगर उनसे आप बात करोगे तो उनको पता होगा कि यहाँ आने से पहले दोस्तों क्या वहाँ यहाँ का ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब यूएई का रूल क्या है, यूएई में अगर आप मुसीबत में पड़ गए तो कैसे बाहर निकलना है, कंपनियाँ आपके साथ मनमानी कर रही है तो क्या कर सकते हो, सारा चीज़ वहाँ पे उन लोगों को समझा दिया जाता है। बट दिन इंडिया में दोस्तों ये कानून नहीं है। मैं आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इंडिया में ये कानून बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियन लोग यहाँ पे रहते हैं। आपको भी ये बात से सहमत होंगे कि यहाँ आने से पहले दोस्तों जो यूएई का रूल है, जो लेबर लॉ है, उसे वर्करों को समझा दिया जाए। मान ली कोई कंपनी हमारे साथ प्रॉब्लम करती है, जैसे नेपाल में समझाता है अपने वहाँ के निवासियों को, उसी तरह भारत सरकार भी अपने ये वर्करों को यहाँ पे समझा देना चाहिए कि मान ली कोई कंपनी हमसे मनमानी कर रही है, या कौन सा चीज़ अलीगल है यूएई में, कौन सा चीज़ नई जानकारी की वजह से दोस्तों बहुत सारे मेरे वर्कर भाई यहाँ पे फंसते हैं। क्यों? कानूनी मालूम नहीं होता है, कानूनी चीज़ यहाँ पे कौन सा चीज़ रॉन्ग है, कौन सा गलती है, कौन सा सही है, ये सब चीज़ पता नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मान ले कंपनी वाले ही कुछ मनमानी करे, सैलरी ना देवे, या कुछ और भी प्रॉब्लम करे, तो उस चीज़ से कैसे हमें निकलना है? अगर यहाँ आने से पहले ट्रेनिंग दे दिया जाए जैसे नेपाल में दिया जाता है, तो हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ से निकलना, या हमारे साथ जो भी मुसीबत यहाँ पर होता है। तो ये अपडेट था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये बात से कितना सहमत है आप वीडियो में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, एक हम लोग एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा सहारा जो हम अपने बात को अपने सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो लोग यहाँ पे उनको पता है कि कानूनी मालूमात कम होने की वजह से हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन लोग फंस जाते हैं। वीज़ा का पैसा देना पड़ता है, छुट्टी इमरजेंसी जाना है तो क्या करते हैं कि वो लोग कंपनी वाले नहीं देते, ये सारा चीज़ दोस्तों नेपाल में समझा दिया जाता है नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से अपने नागरिकों के, बट इंडियन गवर्नमेंट अभी ऐसा नहीं कर रही है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा लाइक मिलेगा, ज़्यादा शेयर करने की वजह से कम 50-60 हज़ार मेरे वर्कर भाई इस चैनल पर हैं। अगर 10 हज़ार भी लोग शेयर कर देते हैं तो शायद गवर्नमेंट तक ये बात पहुँच जाए और ये लॉ लाया जाए, ताकि हम लोग को यहाँ का जो भी प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम से हम लोग निकल सके। आप इस बात से कितने सहमत हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिखें। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।